क्या हमसे कोई ज्यादा शातिर हो सकता है? कभी नहीं, हमने तो बस सनम को आहिल की मौत का डर दिखलाया था और वो तो हमारे इशारों पर नाचने ही लग गई। अब बस बहुत हुआ, एक बार इन पेपर्स पे साइन हो जाए फिर हम सनम को कैसे भी करके खत्म कर देंगे। हम अपनी नई जिंदगी में जोया के खानदान की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। सनम को मरना ही होगा, वैसे ही जैसे हमने उसकी अम्मी को मारा था। सनम के साइन करते ही हम ये खंजर उसकी पीठ में उतार देंगे। सनम के साथ साथ आहिल का प्यार भी दम तोड़ देगा और इतनी भीड़ में ये किसने किया और कैसे हुआ है किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर आज सच झूठ से हार ही गया। अम्मी जो चाहती थी वो आज उनको मिल जाएगा। हमने नवाब साहब का कत्ल किया और आहिल को इस बात का यकीन भी दिलाया कि उसने नवाब साहब का कत्ल किया। क्या सनम कोई प्रॉब्लम है? आहिल पे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमें नहीं लगता कि सनम को कोई प्रॉब्लम है। क्यों सनम? हाँ, भैया भी मुझे बता रहे थे तुम्हें कुछ कहना था, कोई जरूरी बात थी। या अल्लाह, मुझे तनवीर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। सनम मेरी बच्ची, तू वहां से हट जा। जी बेगम साहिबा, आहिल के होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने कहा है ना आहिल, इन पेपर्स पे साइन करने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। हमारा प्यार क्यों ही रहेगा? Absolutely. तो मैं साइन जरूर करूंगी। अल्लाह मेरी मदद कीजिए, कोई तो करिश्मा दिखाई। मैं चाहकर भी आहिल को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत नहीं बता सकती, और अगर एक बार इन पेपर्स पे दस्तखत हो गए तो बेगम साहिबा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी। अल्लाह मेरी मदद कीजिए। अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम कर।
मैं बिल्लू रानी की ये मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अरे ये लाइट किसने बंद की? आप लोग जहां हैं वहीं रहिए, लाइट आ जाएगी प्लीज। ये रजिया क्या कर रही है? शहर को सनम की जगह क्यों खड़ा कर दिया है? हमें जो चाहिए था वो हो गया, सनम ने साइन कर दिया। अब सनम को खत्म करने का यही अच्छा मौका है। अम्मी ये क्या हुआ? अम्मी ये किसने किया? अरे कोई है? आप ठीक तो है अम्मी? ये कैसे हुआ अम्मी? हमारा हाल सरम, सरम तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? हया, तुम जिसे सनम समझ रही हो वो शहर है बेटा, वो शहर है। ये रजिया मेरी बच्चियों के साथ क्या कर रही है? बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ख्याल रहे इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ये वो तोता है जिसमें सबकी जान बसती है। वो बुढ़िया मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाई है क्या? बप्पा, काम मैं अपनी जिंदगी के लिए करती हूँ, इन मनहूसों के ऊपर अपनी जान लुटाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अम्मी मतलब सनम ने? अरे कोई फर्स्ट एड किट लेकर आओ जल्दी। अम्मी डोंट वरी, सब ठीक हो, खालो आप ध्यान रखे, मैं लेकर आता हूँ। अरे जल्दी डब्बा लाओ। काली रहम वाली
सभी याली मदद वाली यानी ये मेरी जाए जिंदगी इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हस्ती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बान है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जाए जिंदगी सनम का फोन लेकिन यहां कैसे हया तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं बाहर भी देखने गया था। तुम्हारी सनम से कोई बात हुई? मैं बात करने गई थी लेकिन बात हो नहीं पाई। पहले सनम ने बहुत बड़ा काम दे दिया और फिर ये सब कुछ शुरू हो गया। हया मुझे लगता है आज रहने देते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और बेगम साहब को भी चोट लग गई है। हम किसी और दिन सनम से बात कर लेंगे। पता नहीं राहत, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। अब कुछ गलत नहीं होगा यार, मैं हूं ना। इससे पहले गया सनम को सब कुछ बताए, मैं फैज को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। क्या चल रहा है ये सब कुछ? हाँ क्या चल क्या रहा है? क्या समझते हो तुम खुद को और मुझे? मुझे बोला था कि खतरा होगा। खतरे का मतलब ये नहीं है बॉस कि मैं अपनी जान दे दूं। मरने नहीं आई हूं मैं यहां, समझे तुम? उस औरत ने मुझ पे अटैक किया चाकू के साथ। जान लेना चाहती थी वो मेरी क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने उसका? तुमने नहीं, सनम ने। तुम्हारी हम शक्ल। और एक बात और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूं, मैं अगर किसी काम को करने के पैसे देती हूं तो फिर वो काम करवा के ही मानती हूं। तो आज से तुम सुनहरी नहीं सनम हो, आहिल की बीवी सनम। ओह पान की दुकान, दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोलते जा रही हो तब से। सनम बन जाओ आहिल की बीवी, ये सब नौटंकी नहीं होगी मुझसे।
उसकी हम शक्ल हूं मैं। That doesn't mean कि कोई मुझ पे यकीन करेगा और इस बात पे यकीन करेगा। It's impossible। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं, ये तुम समझ रहे हो। अगर मैं तुम्हारे पैसे दुगने कर दूं तो भी नहीं? मैं तुम्हें इस काम के पूरे 1 करोड़ दूंगी, फिर तो करोगी ना मेरा काम? कभी तो हमें समझ ही नहीं आता है कि अगर तुम नहीं होते तो हम सब कुछ कैसे मैनेज करते। अगर हमारा सगा बेटा भी होता ना तो वो भी हमारी इतनी परवाह नहीं करता जितनी कि तुम हमारी करते हो। आयल, क्या हुआ बेटा? आहिल नहीं, रेहान। रेहान, अल्लाह का शुक्र है कि तुम हमारे पास हो। तुम नहीं जानते कि हम कितने खुश हैं कि तुम हमारे पास वापस आ गए। मैं तो जाने वाला था, आपकी फिक्र हो रही थी तो इसलिए रुक गया। अब आप बेहतर हो रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए। रेहान, रेहान बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है रेहान। आपको मेरी नहीं, अपने बेटे आहिल की जरूरत है। ऐसा मत कहो रेहान, सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। सच कहें तो सब कुछ आज ही खत्म हो जाता। अगर उन पेपर्स पे आज साइन हो जाते तो हमें बाद में पता चला रेहान कि सनम के दस्तखत अधूरे रह गए। अगर उन पेपर्स पे साइन हो जाते तो आज सब कुछ ठीक हो जाता। यही तो बात है अम्मी, मेरा वजूद एक कागज के टुकड़े का मोहताज बनकर रह गया। मेरी शख्सियत से ज्यादा आपके लिए ये कागज के टुकड़े मायने रखते हैं और मेरी जिंदगी के मायने इन सब से बहुत ऊपर। और मेरा वजूद इन चंद सिक्कों के खनक का मोहताज नहीं। रेहान, रेहान हमारी बात तो सुनो। रेहान बेटा, रेहान तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें हमारा वास्ता। रेहान रुक जाओ, रेहान प्लीज, रेहान हमारी बात सुनो, तुम्हें हमारी कसम रेहान। रेहान, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अपनी अम्मी का मरा मुंह देखोगे।